अमेजिंग अमेजिंग, बहुत अच्छी। हाँ हाँ, 3D में बहुत सारी गहराइयाँ जो नहीं दिखाई पड़ेगी वो पता लगी, उससे ज्यादा गहरे लग रहे हैं। और 3D इफेक्ट काफी अच्छा है, काफी अच्छा है। हम काफी ऐसी चीजें जो हमने गहराई नहीं देखी थी वो सब दिखाई पड़ रही है। और एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इतना अच्छा एक्सपीरियंस हमें वापस मिला देखने के लिए थिएटर में। अरे अच्छा था बहुत, 3D इफेक्ट्स वेरी नाइस। गब्बर सही लगा कि ठाकुर 3D में? गब्बर अच्छा। क्या चीज खास लगा सर 3D में बनाए ना? अच्छा है, गब्बर सही बेस्ट, गब्बर सही। हम कैसी लगी आपको? अच्छा अच्छा, 3D संग कैसी? अच्छी अच्छी, बस बस, थैंक यू। हाउ वाज द मूवी? अमेजिंग अमेजिंग। कैसी लगी आपको? नो कमेंट्स। Solo will remain solid. Five, more than ten. इसके लिए कोई शक नहीं है। 3D में बनाया गया तो इसके कैसा इफेक्ट, कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छे इफेक्ट हैं। एक साथ देखकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैं तो जब आई थी पिक्चर तो बहुत छोटी थी, लेकिन अब तो बहुत अच्छी लग रही है। मैं क्या स्टार दूँ, इतने बड़े की इतनी अच्छी पिक्चर है, बहुत ही अच्छी है। सारे स्टार होने के लिए क्लासिक मूवी 3D वेरी गुड। अच्छी थी, 3D में शो। या 3D इज बेटर, या इट्स गुड एंड मेनली फॉर यंगस्टर्स। किसकी एक्टिंग ज्यादा अच्छी थी? ठाकुर इज रियली नाइस, थैंक यू। इट्स गुड, द डायलॉग्स आर प्रीटी फेमस। जयवीर को देख के क्या लगा खास कर जोड़ी? द फ्रेंडशिप रॉक्स। कैसी लगी शो ले खास कर 3D में? बहुत अच्छी लगी, खास करके 40 सालों से ये मूवी चल रही है और आज भी उसका जो एक लेजेंड, मैं तो इस मूवी को लेजेंड का नाम देना चाहूंगी। क्या मतलब कौन सा कैरेक्टर ज्यादा पसंद आया उसे? तो सभी सारे कैरेक्टर खास है उसमें, बट आपको कौन सा कैरेक्टर ज्यादा पसंद है? गब्बर। एक इफेक्ट लगा कि हम लोग हॉलीवुड टाइप की मूवी देख रहे हैं। मेरा भी यादें ताजा हो गई फिर से, काफी दिनों से ऐसी मूवी आई नहीं थी। नहीं, आज के ज़माने जो मूवी बन रही है तो लव स्टोरी तक बकवास रहती है, ये जो मूवी अभी भी लग रहा है कि नहीं, ये आज के ज़माने की मूवी लगी। और ख़ास करके बसंती का वो डांस एंड धर्मेंद्र जी की दोस्ती वो बहुत अच्छी लगी।